तो हाँ गाइज, मेरे YouTube चैनल टेक्निकल सिस्टम में आपका स्वागत है। आज की वीडियो की मदद से हम आपको सिखाने वाले हैं कि आप जो अपने मोबाइल फ़ोन के कॉन्टैक्ट में किसी का भी फोटो किस प्रकार से सेव कर सकते हैं। जैसा कि आप दोस्तों देख पा रहे होंगे हमारे मोबाइल की स्क्रीन पे, कि जैसा कि आपको यहाँ देखने के लिए अभी मिलेगा कि मैंने यहाँ कुछ फ़ोटो को किस प्रकार से ऐड करना है। जैसे कि मोबाइल नंबर होता है कि हम पहचान नहीं पाते, कितना बार एक ही नाम का बहुत आदमी होता है, सेम नंबर अलग अलग होता है, तो हम कंफ्यूज कर जाते कि किस प्रकार से। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको उसकी फ़ोटो लगा देना है वो जगह पे, ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ आ जाते मोबाइल की स्क्रीन पे और यहाँ देख सकते हैं ये नंबर जो मेरा है, हम उस पर टैप करेंगे। मेरे मोबाइल में जो भी नंबर है, आपको जो भी नंबर है आपको उस पर टैप कर देना है, या फिर आप यहाँ किसी का भी नंबर लिख लेंगे। तो हम यहाँ किसी का भी नंबर लिख लेते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, तो हम मैंने यहाँ एक नंबर लिख लिया, और नंबर लिख देने के बाद दोस्तों हम यहाँ देख सकते हैं ये मेरे में अनसेव्ड है, तो हम इसे सेव करेंगे। यहाँ प्लस के आइकॉन पे क्लिक कर देंगे और फिर क्रिएट न्यू पे कॉन्टैक्ट कर देंगे, ठीक है। और फिर इतना कर देने के बाद दोस्तों हमें यहाँ नाम देने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो हम जो है नाम यहाँ दे देंगे, और नाम दे देने के बाद इसे सेव कर देंगे। और इतना ही नहीं दोस्तों, इतना कर देने के बाद हम फिर से इस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक कर देने के बाद यहाँ एक कैमरा का ऑप्शन आ रहा है, हम यहाँ इस पर क्लिक करेंगे। इतना क्लिक कर देने के बाद अब हमें यहाँ फ़ोटो सेट करने के लिए कहा जा रहा है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं किस प्रकार से हम यहाँ, हमें दो ऑप्शन मिल रहा है, एक गैलरी एक कैमरा। कैमरा उसके लिए है जो हमारे सामने में, अगर वो व्यक्ति खड़ा है तो हम उसका फ़ोटो खींच सकते हैं अभी, अगर हमारे पास नहीं है तो हम कैमरा का कोई यूज करना ही नहीं है। तो हम यहाँ गैलरी पे क्लिक करेंगे दोस्तों, और गैलरी पे क्लिक कर लेने के बाद अब हम यहाँ गैलरी से फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे कि किस प्रकार से जो है हम उस फ़ोटो को उसमें कॉन्टेक्ट में ऐड कर सकते हैं। तो हम जो है यहाँ कोई सा भी फ़ोटो आपको दिखाने के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं, और ये देख लीजिए मैंने अभी, जैसे मान लीजिए मैंने ये फ़ोटो सेलेक्ट किया, ये फ़ोटो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, और सेलेक्ट कर लेने के बाद दोस्तों हम यहाँ इसे सेव कर लेते हैं, डन कर देते हैं। और डन कर देने के बाद ये मेरा फ़ोटो देख लीजिए सेव हो गया। अब हम सेव पे क्लिक कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो है दोस्तों आप भी अपने मोबाइल फ़ोन में जो है किसी का भी कॉन्टेक्ट में उसका फ़ोटो आप लगा सकते हो। अब जैसा कि मैं आपको फिर से एक बार वो फ़ोटो को निकाल के दिखा देता हूँ, वो कॉन्टेक्ट को, कि मेरा फ़ोटो सेव ऑलरेडी फाइनली हुआ या नहीं हुआ। तो हम यहाँ रिसेंट पर आ जाएंगे, और फिर जैसा कि दोस्तों हम वहाँ वो नंबर सर्च मारेंगे, ठीक है, कि वो क्या था, तो मैं ये भूल चुका, हाँ ये नाम से मेरा था। तो ये नाम से आने के बाद अब हम देखते हैं, ये देख लीजिए दोस्तों ये जो है मैंने सेव कर लिया है फ़ोटो के साथ और नाम के साथ। ये देख लीजिए किस प्रकार से मेरा इसमें से फ़ोटो आ रहा है। और जब भी इस नंबर से कॉल आएगा तो सबसे पहले इसका फ़ोटो आएगा, ताकि हमें समझ में आ जाएगा कि ये कौन फ़ोन किया और किसने फ़ोन किया। तो इस प्रकार से जो है दोस्तों आप भी अपने मोबाइल स्क्रीन पे किसी का भी फ़ोटो सेव कर सकते हो उसके नंबर पर। तो बने रहिए हमारे वीडियो में हमारे साथ। तो आपको इसी प्रकार से सेम यही प्रोसेस करना है। तो हमारी वीडियो कैसी लगी, हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारी वीडियो को लाइक करें।